पिछले लेक्चर में हमने फोर लूप को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप को। लूप तीन तरह के होते हैं, व्हाइल लूप, व्हाइल को भी हमने देखा, डू व्हाइल को भी हमने देखा और एंड पे हमने फोर लूप को भी देखा। तो आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड लूप का। तो यहाँ पर नेस्टेड लूप को देख लेते हैं कि लूप इनसाइड द अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, यानी कि एक लूप है उसकी बॉडी के अंदर एक अनदर लूप होगा तो उसको हम नेस्टेड लूप कहेंगे। जैसे कि हमने नेस्टेड इफ एल्स किया था, बिल्कुल ये उसी तरह से होगा। तो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और ये प्रोग्राम की मदद से कुछ स्टार्स को प्रिंट करते हैं यूजिंग नेस्टेड लूप को। तो व्हाइल को भी हम दो मरतबा उसके अंदर यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल को भी, लेकिन यहाँ पर मैं फोर लूप को यहाँ पर नेस्टेड इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ से इंटीजर में ले लेता हूँ एक ए नाम का, दूसरा यहाँ पर इंटीजर में ले लेता हूँ बी नाम का, उसके बाद यहाँ पर फोर लूप चलेगा और फोर लूप की कंडीशन है ए हमारे पास इक्वल है 1 के, सेमीकोलन ये इसका सिंटैक्स है, ए हमारे पास है लेस देन 10 से ये, और उसके बाद यहाँ पर ए में इंक्रीमेंट होगा, ये पहले चलेगा और उसके बाद इसकी बॉडी चलेगी। अब ये जो इसके इनसाइड जो लूप है इसको देखते हैं। यहाँ पर हम बी एक हमने लिया था इंटीजर, तो बी हमारे पास बराबर है, यहाँ पर बी भी 1 के बराबर है, यहाँ पर बी हमारे पास है लेस देन ए से, ये इसको बाद में मैं समझाता हूँ यहाँ पर, और बी में इंक्रीमेंट होगा यहाँ से कुछ इस तरह से। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर बॉडी इसकी चलेगी सी आउट, ये स्टार को प्रिंट करेगा, स्टार को प्रिंट करेगा और यहाँ पर एंडल सी आउट एंड एल को यूज करेंगे और ये फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, तो यहाँ से रिटर्न 0 को। अभी इसके एग्जीक्यूशन को देख लेते हैं यहाँ पर से और फिर मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तो वो कह रहा है कोई भी आपने नंबर एंटर करना है, ये प्रीवियसली ये गलत चल गया, 1 मिनट अभी तक इसकी एग्जीक्यूशन शायद नहीं हो सकी। ये शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इसको कॉपी करके दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल एन से ये न्यू ओपन होगी विंडो और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ से इसको सेव करेंगे। हाँ अभी ये इसकी इनपुट आप देख लीजिए, यहाँ पर ये पहला लूप सिर्फ कंडीशंस को चेक कर रहा है और यहाँ पर ये दूसरा लूप स्टार्स को प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 स्टार प्रिंट होगा और ये कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब ये स्टार यहाँ से प्रिंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 होगी, कंडीशन ट्रू होगी, फिर इसकी बॉडी में आएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 स्टार प्रिंट कर देगा यहाँ से ये कंडीशन। यहाँ पर ही एंड एल, यहाँ पर भी आप एंड लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इससे बाहर लिखा है। तो यहाँ पर अप टू सोन, जैसे यहाँ पर 3 होगी ये कंडीशन ठीक है, यहाँ पर फिर ये यहाँ पर भी इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर भी 3 वैल्यू हो जाएगी तो 3 स्टार्स को प्रिंट करेगा अप टू सोन। इसी तरीके से ये सारे 10 स्टार्स तक उसने प्रिंट कर दिए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।